वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है 31st of Jan और आप जब ये वीडियो देखोगे तो हो रहा होगा 1st of Feb एंड मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस दुनिया के सबसे विशाल प्लेन में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट। आई एम ट्रैवलिंग इन A380 एमिरेट्स फ्रॉम बैंगलोर टू दुबई एंड हम ट्रैवल कर रहे हैं इकोनॉमी में फिलहाल। जब आप लोग मेरे सब्सक्राइबर 5 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन कर दोगे पक्का बिजनेस या फर्स्ट में मैं कोशिश करूँगा ट्रैवल करने की, ठीक है। बट दिस विल बी वन ऑफ माई, बोल सकते हो कि एक अद्भुत एक्सपीरियंस होने वाला है इकोनॉमी क्लास में A380 के। एंड ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाना ऐसे कमाल धमाल कंटेंट देखने के लिए। एंड आपके सपोर्ट एंड आपके प्यार से ही मैं ऐसे कंटेंट बना पाता हूँ। अभी मैं हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट में एंड बहुत सारे फैक्ट्स हैं एमिरेट्स के बारे में, A380 के बारे में, क्यों ये प्लेन जो है इतना खास है एंड पूरे हिंदुस्तान से एक ही प्लेन है ये। मतलब एमिरेट्स का शायद पहला प्लेन है जो बैंगलोर से ही है दुबई के लिए एंड एमिरेट्स जो है हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ A380s इन द वर्ल्ड। मैं हूँ अभी बैंगलोर एयरपोर्ट में और मैं पता नहीं कितनी बार मैंने बैंगलोर एयरपोर्ट से फ़्लाइट ली होगी लेकिन मैंने हर बार आपको मैं बोलता था कि कभी मैं ट्रैवल करूँगा एमिरेट्स में एंड टुडे इज़ द डे आई एम ट्रैवलिंग इन एमिरेट्स। मैं तो आ गया जल्दी एयरपोर्ट, मेरे को लग रहा था कि जल्दी से चला जाऊँगा बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल करता थाईलैंड काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, मतलब बहुत टाइम लग गया था बोर्डिंग पास लेने में, लाइन बहुत लंबी थी, इसलिए मैं पहले ही आ गया। तो मैं बता दूँ दुबई में चलता है दिरहम। दुबई जो है इज़ अ कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दीज विल बी आर काउंटर्स 84, 85, 86 लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी नहीं है एंड काउंटर्स खुले नहीं है फिलहाल। अगर आपको इंडिया से दुबई जाना है तो आपको लगता है ई वीज़ा जो मैंने ले लिया है, मैं दिखा नहीं सकता शायद, पता नहीं दिखाऊंगा तो शायद पता नहीं कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना निकल जाए। ये है मेरा ई वीज़ा, उसकी मैं सॉफ्ट कॉपी कैरी कर रहा हूँ। ई वीज़ा के साथ ये पासपोर्ट ई वीज़ा हो जाएगा। ई वीज़ा का जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 7,000 रुपीज़, पहले 6,000 का था अभी शायद बढ़ गया है 7,000 हो गया है। और अगर आपको एक्सप्रेस ई वीजा चाहिए तो आपको लगेगा लगभग अराउंड 8,000 रुपए। तो मैंने एक्सप्रेस में लिया, मुझे जल्दी निकलना था क्योंकि मुझे फेब महीने के लिए कंटेंट बनाना था बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने एक्सप्रेस में लिया। फिर आपको बुक करनी है फ्लाइट एंड फिर आप करेंसी एक्सचेंज करा लेना। तो दिरहम जो है वो 23 रुपीज़ का एक दिरहम है। दुबई जो है सिटी बहुत एक्सपेंसिव है। 2 व्लॉग्स आएंगे दुबई में तो वो भी आप देखना आराम से, तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के कंपैरिजन में कितना महंगा या सस्ता है दुबई, तो आपको जानने को मिलेगा। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ई वीज़ा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ई वीज़ा लेने के लिए आपको लगेगा आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती है। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और 1-2-3 दिन में आपको ई वीज़ा आपके ईमेल में आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो एजेंट के थ्रू करवा लो ई वीज़ा या खुद भी कर सकते हो। क्योंकि मेरा पहली बार है तो मैंने एजेंट के थ्रू कराया तो हाँ हो सकता है कि मुझसे थोड़े एक्स्ट्रा भी ले लियो, मुझे नहीं पता, बट एक बार जब मैं एक्सपीरियंस हो जाऊंगा तो शायद मैं खुद ही कर लूँगा। तो फर्स्ट टाइम के लिए आप एजेंट के थ्रू करवा सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूँ अगर आपको दुबई से आना जाना है तो आप 14-15 हज़ार में आराम से कर सकते हो अगर आप फ़्लाइट जल्दी बुक करो और मुंबई से बुक करो। लेकिन मैंने ये फ़्लाइट कितने की बुक की है इसको मैं आपको अभी रिवील नहीं करूँगा, ये व्लॉग को आप एंड तक देखना। दुबई जब मैं जाऊँगा मतलब टैक्सी पकड़ के जाऊँगा अपने होटल तो मैं आपको प्राइस बताऊँगा टैक्सी मैंने कितने में बुक की, फिर जिस होटल जा रहा हूँ आपको होटल का रूम टूर दूंगा एंड तब मैं आपको लास्ट में रिवील करूँगा मैंने कितने में फ़्लाइट बुक की है। ये सस्ती फ़्लाइट नहीं है बिल्कुल भी, ऑफकोर्स गाइस सस्ती कैसे हो सकती है जब एमिरेट्स है तो, वो भी A380 है तो हाँ सस्ती तो नहीं है, प्राइस बताऊंगा मैं आपको। तो अभी काउंटर्स खुलने दो, ये 83-84 काउंटर्स हैं। काउंटर्स आर फाइनली ओपन और मैं पहले ही जा रहा हूँ ताकि रश ना मिले। एक काउंटर ही ओपन हुआ है ऑनलाइन चेक इन वाला, बट लेट्स सी, अभी जाते हैं अंदर। लाइन बिल्कुल भी नहीं है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है 1-2 घंटे में लाइन बहुत लंबी हो जाएगी तो इससे अच्छा पहले निकल जाऊँ। तो फाइनली गाइस काउंटर्स आर ओपन और अभी 11:40 हो रहा है रात के। मुझे लगता था कि भाई इंटरनेशनल ट्रैवल करना एक रॉकेट साइंस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वीज़ा आ जाए ना आपके पास तब सब कुछ सॉर्टेड है, और वीज़ा के लिए भी कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। मैक्सिमम जो टफ से टफ वीज़ा होगा उसके लिए बैंक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इंटरव्यू लगेगा, बस ये 2 चीज़ें होंगी मैक्सिमम। मतलब लोगों ने ना हवा बना दिया वीज़ा को लेके, मतलब ऐसा नहीं है, आसानी से मिल सकता है अगर आपके पेपर्स अच्छे हैं सही हैं। खैर इसकी बात मैं बाद में करूँगा। लाइन लग चुकी है, काउंटर्स खुल चुके हैं एमिरेट्स के, तो 81, 82, 83, 84 हाँ ये लास्ट के कुछ काउंटर्स हैं एमिरेट्स के हैं। दिस इज माई पासपोर्ट, दिस इज द ई वीज़ा। Yeah, so that's my return ticket.
बोर्डिंग पास तो मुझे मिल गया है, तो मुझसे इन्होंने रिटर्न टिकट पूछी है। तो अगर आप दुबई जा रहे हो तो रिटर्न टिकट दिखा देना, होटल का स्टे नहीं पूछा। कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप कितनी करेंसी कैरी कर सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है जैसे थाईलैंड में था कि हाँ भाई आपको कुछ भात कैरी करना है साथ में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत स्ट्रेंज चीज हुई, मुझे विंडो सीट नहीं मिली। मतलब मैम कह रही थी कि सारी की सारी विंडो सीट जो है वो वेब चेक इन में चली गई। यार मतलब मैंने भी कोशिश की थी वेब चेक इन करने की, बट फॉर सम रीजन मैं वेब चेक इन कर ही नहीं पा रहा था। वो क्या रीज़न था मुझे नहीं पता भाई, एमिरेट्स से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि इनका वेब चेक इन नहीं चल रहा था। तो मुझे विंडो सीट नहीं मिली है, आइल मिली है सबसे पीछे 68। काफी एक्साइटेड हूँ, देखते हैं अब इमिग्रेशन कैसा रहता है। बाय द वे दीज आर द काउंटर्स एमिरेट्स के, ज़्यादा नहीं है। और जितना भी स्टाफ है ये एयर इंडिया का स्टाफ है जो एमिरेट्स को देख रहा है, फिलहाल तो एमिरेट्स वाली फिलहाल कोई फीलिंग नहीं है। आपको पता ही है शुरू में झटका लग गया, विंडो सीट नहीं मिली एक ब्लॉगर को, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन इस साइड है इंटरनेशनल का। दीज आर द इमिग्रेशन काउंटर, इमिग्रेशन क्लियर करते हैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इमिग्रेशन इज डन फाइनली, सारे काउंटर्स हैं, मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए। इमिग्रेशन इज डन, सिक्योरिटी इज डन। इमिग्रेशन में मात्र 10 मिनट लगा, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे, उन्होंने स्टैम्प लगाया एंड बस हम आगे आ गए। और सिक्योरिटी भी बहुत स्मूथ थी, रश नहीं था बिल्कुल भी। मतलब सिक्योरिटी 5 मिनट में हो गई, इमिग्रेशन 10 मिनट में हो गए। एक फ़ायदा है अगर आप बैंगलोर से फ्लाई करते हो, चेन्नई से फ्लाई करते हो या मे बी हैदराबाद से फ्लाई करते हो ना, तो रश कम मिलेगा। और अगर आप दिल्ली मुंबई से करोगे तो भाई साहब लंबे लंबे लाइन लगेंगे, एक डेढ़ घंटा दो घंटा तो ऐसे ही लग जाएगा। अगर आपको याद हो जब मैं थाई एयरवेज में ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम दिल्ली, तो मेरे को तो बोर्डिंग पास लेने में एक घंटा लग गया था। वी हैव एंटर द एयरपोर्ट, इंटरनेशनल साइड ऑफ केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, और दिस इज ड्यूटी फ्री। यहाँ से अगर किसी को आपको वाइन विस्की गिफ्ट करनी हो तो आप कर सकते हो। तो हमारे तीन गेट्स हैं क्योंकि बिकॉज आर फ्लाइट इज A380, तीन गेट्स हैं, आई थिंक 41, 42 एंड 44। इट्स अ ह्यूज जंबो जेट, डबल डेकर है ना, डबल डेकर प्लेन है। और प्राइस तो आप पूछो नहीं, बट मुझे एक चीज़ का बुरा लग रहा है यार भाई, अभी तक मुझे एमिरेट्स वाला कुछ भी नहीं लगा। स्टाफ पूरा जो पूरा एयर इंडिया का है, और जो हमारा बोर्डिंग पास भी है मैं आपको दिखाऊंगा कभी, फिर कभी दिखाऊंगा, पूरा वाइट कलर का है, सिर्फ इतना सा लिखा है एमिरेट्स उसमें। अभी तक फिलहाल कुछ भी फैंसी नहीं है, आई होप फ्लाइट फैंसी हो बिकॉज अभी तक सर्विसेज तो बहुत ही एवरेज है। एंड एमिरेट्स का जो बेस है दैट इज़ इन दुबई। और ये कांच देख रहे हो, इस कांच का जो ये जो वॉल देख रहे हो ना, उस पार है डोमेस्टिक गेट सारे के सारे। तो मैंने वहां से तो लाखों बार पता नहीं जर्नी की होगी, उस साइड डोमेस्टिक है एंड दिस साइड वी आर एट इंटरनेशनल। तो मेरे को लग रहा था कि भाई उतना ही पीछे ही है बस, उतना सही एयरपोर्ट है, लेकिन नहीं भाई, अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट के टूवर्ड्स, दैट इज 40। और हाँ, ये एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल साइड वाला काफी बड़ा है, काफी लंबा है। तो अभी हो रहे हैं 12:06 और मेरा गेट है 40 जो कि यहाँ पे है, और एक गेट है 44 जो कि ऊपर है। अब आप सोचो A380 इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है कि तीन तीन गेट्स दिए हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो अपर वाले डेक में आपको फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास वाले पैसेंजर्स मिलेंगे अपर डेक में, और इकोनॉमी जो है आपको मिलेगा नीचे। तो मतलब हाँ, और प्रीमियम इकोनॉमी भी है A380 में। तो ये प्रीमियम इकोनॉमी नया नया लॉन्च हुआ है नए वाले एयरक्राफ्ट्स में, A380s में, लेकिन इस वाले में है कि नहीं आई डोंट नो, ये जाके देखना पड़ेगा। तो आपने अभी तक देखा मेरा पूरा एक्सपीरियंस बोर्डिंग पास लेने का, इमिग्रेशन का, सिक्योरिटी का, एवरीथिंग वॉज स्मूथ। हाँ, ई वीज़ा जो है अगर आपके पास है तो आपसे सिर्फ रिटर्न टिकट पूछेंगे, आपका जो है स्टे वे कुछ नहीं पूछेंगे, और अगर दुबई जा रहे हो तो, और करेंसी भी नहीं पूछेंगे कितना कैरी कर रहे हो। लेकिन हाँ, 700-800 दिरहम कैरी कर लेना, 700-800 दिरहम हो गए आपके 17,000-18,000 रुपये कैरी कर लेना। बाकी हाँ, बैंक में अलग रखना क्योंकि दुबई बहुत महंगा है, और अगर आपने कुछ भी गलती की तो बहुत बड़ी आपको मतलब ना क्या कहते हैं चपत लग सकती है। तो हाँ, मैंने अपने साथ 700 दिरहम्स कैरी कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल कैश, बाकी अगर कुछ अंट शंट खर्च हो गया गलती से तो फिर हाँ वो आप कार्ड आर्ड यूज़ कर सकते हो। को जो है बैंगलोर से 2 या 3 एमिरेट्स की फ़्लाइट्स हैं, आई एम नॉट श्योर, तो एक बार उसको आप गूगल कर लेना, MMT में सर्च कर लेना, शायद दो तीन फ़्लाइट्स तो मैंने देखी हैं, ठीक है ना। लेकिन A380 जो है वो एक ही है, सबसे सस्ती फ़्लाइट आपको एमिरेट्स की पूरे इंडिया में मिलेगी मुंबई से, जो आपको 11-12 हज़ार में मिल जाएगी। लेकिन ये जो है ये सुपर एक्सपेंसिव है, ये मैं आपको जाके बताऊंगा कितने की है। तो टॉकिंग अबाउट द करेंसी, तो देखो ये है 10 का नोट, ठीक है ना, ग्रीन वाला, ठीक है ना, तो 700 दिरहम्स हैं। तो हाँ भाई, एक एक पैसा संभाल के रखना, इसको INR मत समझ लेना गाइस। और आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो नोट है ना, ये देखो, ये जो 50 दिरहम का नोट है भाई साहब, एक नंबर है यार। मतलब उसकी जो क्वालिटी है ना, टॉप नॉच क्वालिटी है, ठीक है ना। तो शायद ये दुबई के शेख हैं, आई थिंक सो। ये जो 50 दिरहम का नोट है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज अराउंड 1112 रुपीज़, 1100-1200 रुपये का नोट है, इमेजिन करो। और ये तो समझो आप
2400 रुपये का नोट होगा ये 100 दिरहम का। ये लगभग लगभग टोटल जितना भी आपको दिखाया मैंने, ये लगभग लगभग 16-17 हज़ार रुपये हैं इन दिरहम्स। देखो और नोट पे लिखा हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट सेंट्रल बैंक। अब मैं आपसे मिलता हूँ जब बोर्डिंग शुरू होगी ना फ्लाइट की। मैंने एक चीज़ नोटिस की एयरपोर्ट पे ना, मैक्सिमम इवियान की बॉटल्स हैं, ठीक है ना। ये बहुत महंगा पानी है और ये तो आप पूछो मत, ये तो इवियान से भी ज़्यादा महंगा है। तो सारे पानी बहुत ज़्यादा महंगे हैं एक्सेप्ट ये सबसे सस्ता पानी है जो कि मैं लेने वाला हूँ। फिलहाल मैक्सिमम आपको ना इंटरनेशनल टर्मिनल में इवियान वाटर ही मिलेगा। जैसे मेरे सामने देख रहे हो, अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, राइट नाउ इट्स 3:14 एंड दिस इज़ द एयरक्राफ्ट वी आर ट्रैवलिंग इन, दिस इज़ 380। तो हाँ, अभी बस आधे घंटे में हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। अभी हो रहा है 3:27, बस हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, एक्चुअली मैंने रेडबुल पी ली थी और फिर रेडबुल के बाद कम से कम 10 बार बाथरूम आया इसलिए कुछ खाने की ज़रूरत है। तो हाँ, अभी ख़त्म करके बस सीधा निकल जाऊँगा मैं बोर्डिंग के लिए। तो अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा बोर्डिंग गेट पे। तो गाइस फाइनली द बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड एंड वी आर अबाउट टू बोर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट। जोन सी या जोन डी वाले जा रहे हैं पहले। मेरा जोन डी है, 68H है। कॉन्फिग्रेशन और बहुत सारी फैक्ट्स की बातें हम करेंगे प्लेन के अंदर। कॉन्फिग्रेशन इज 3-4-3, फर्स्ट लुक 10-on-10 स्ट्रेट भाई। 68H आ गए। हेलो, सो गाइस फाइनली आई हैव बोर्डेड द एयरक्राफ्ट, इट इज अमेजिंग भाई साहब। स्टार्ट करते हैं पहले लेग स्पेस से, बिकॉज ये A380 है तो लेग स्पेस तो आप देख ही सकते हो, बहुत कमाल की लेग स्पेस। एंड दिस इज द ट्रे टेबल, तो इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई नहीं खुल रही या फिर ढीली है या फिर आधी टूटी पड़ी है। द ट्रे टेबल इज ह्यूज, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। एंड अब आप सोच रहे होगे कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट में टोटल सीट्स कितनी है, अराउंड 400-480 सीट्स है। पर मैंने एमिरेट्स के इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम के बारे में बहुत सुना है, बहुत तारीफ सुनी है। एनीवे स्टार्ट करते हैं पहले। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, तो हाँ इसको आप प्रेस करके निकाल सकते हो। यू कैन कॉल कैबिन क्रू, तो अगर मुझे कैबिन क्रू को बुलाना है तो मैं इसको प्रेस करूँ। एंड ये है रीडिंग लैम्प्स, तो देखो मैंने ये प्रेस किया तो वो वहाँ पे स्टार्ट हो गई। इसके बाद यहाँ पे आई थिंक आप चैनल चेंज कर सकते हो, आगे कर सकते हो। तो हाँ, तो यहाँ पे देखो तीन चीज़ें दी हुई हैं, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, इंटरटेनमेंट, ठीक है। तो लेट्स से मेरे को इन्फॉर्मेशन में जाना है तो मैं क्लिक कर दूंगा एंड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इसमें, लाइक आज की फ्लाइट, फ्लाइंग एमिरेट्स, डिस्कवर दुबई, टॉप अट्रैक्शन, दुबई की प्लेसेस, ठीक है ना, हेडलाइन वगैरह। लेट्स से आज की फ्लाइट देखते हैं, टुडेज फ्लाइट। तो फ्लाइट इन्फॉर्मेशन में मैं गया तो वहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि आपकी जो फ्लाइट है, मतलब जो अभी फिलहाल क्या ऑल्टीट्यूड है, आउटसाइड टेम्परेचर 18 डिग्री, टाइम एट डेस्टिनेशन 2:26, मतलब दुबई में अभी ये टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, और अराइवल भी है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है इसमें। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ डिस्कवर दुबई में, दुबई के बारे में चीज़ें आ जाएंगी। फिर अगर मैं कम्युनिकेशन पे जाता हूँ तो यहाँ पे सीट टू सीट भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो बाय द वे, एंड वाईफाई से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज, मतलब पूरा प्रॉपर आईपैड दिया हुआ है। इंटरटेनमेंट में जाओगे तो मूवीज़ आ जाएंगी, म्यूज़िक आ जाएगा, दुबई एंड यूएई की पता नहीं ये क्या है, मेरे ख्याल से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स भी दिए हैं, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स हैं, यहाँ पे आई थिंक कंट्रोलिंग सिस्टम है जो भी है। एंड द होल एयरक्राफ्ट लुक्स अमेजिंग, मतलब सीरियसली। सामने इन्होंने स्क्रीन दी हुई है, आई थिंक जब प्लेन टेक ऑफ करेगा तो यहाँ पे जो है सब कुछ आप देख पाओगे, कैमरा वगैरह लगे हुए हैं बहुत सारे। तो तीन तीन कैमरा जिसमें आप प्लेन के बाहर देख सकते हो, तो कैमरा नंबर 1 है एंड दिस इज कैमरा नंबर 2, हाँ दिस इज कैमरा नंबर 2 एंड दिस इज कैमरा नंबर 3। तो हाँ, तीन तीन कैमरा है, तो आप चाहो तो प्लेन के बाहर भी देख सकते हो। तो जो सीट का कलर है ना, वो थोड़ा वार्म सैंड टोन्स के कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, जिसे दुबई में जो है ऑफकोर्स आपको रेगिस्तान ज़्यादा मिलेगा, उस टोन में ही दिया ताकि लगे कि हाँ भाई। और जो मेरे पीछे हेडड्रेस देख रहे हो ना, इट इज़ कम्प्लीटली एडजस्टेबल, तो ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो, एंड वाइस वर्सा वैसे भी कर सकते हो। आपको नींद ज़्यादा अच्छी आएगी कम्पेयर टू एनी अदर एयरक्राफ्ट। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये एयरक्राफ्ट पूरा फुल है, मुझे लग रहा था कि खाली मिल जाएगा, पता नहीं मैंने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया, बट दिस एयरक्राफ्ट इज़ कम्प्लीटली फुल, एक सीट नहीं है इसमें। तो जैसे आप अपनी सीट पर आओगे ना,
आपको ये ब्लैंकेट्स मिलेगी। और सुनने में आता है ये जो ब्लैंकेट्स बनी है ये रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल से बनी है। ये भी एक चीज़ है। प्लेन में बिजनेस क्लास भी है, फर्स्ट क्लास भी है, और जो भी नए नए प्लेन बने हैं A380 उसमें प्रीमियम इकोनॉमी भी है। तो एक फ़्लाइट है जो दुबई से सिडनी जाती है तो उसमें प्रीमियम इकोनॉमी है, इसमें मुझे नहीं पता। मैं कैबिन क्रू को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं पूरे प्लेन का टूर दे पाऊँ तो फर्स्ट क्लास में ना एक बार भी है इस प्लेन में, मतलब जिसमें मतलब जाकर आप चिल कर सकते हो, प्रॉपर बार है वो विद द रेस्ट, मतलब टेबल वेबल पूरा है उसमें। तो दिस एयरक्राफ्ट इज़ ह्यूज, अगर मैं पूरा टूर दे पाया तो मैं दूंगा। ईयरफोन्स भी मिल जाते हैं, तो ये ईयरफोन्स को आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मूवी वगैरह आराम से देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। बट हाँ, इनकी क्वालिटी मैंने सुना है कि बहुत ही एवरेज होती है इकोनॉमी में, बट आपको फर्स्ट क्लास में बोज वगैरह मिलता है। तो फर्स्ट क्लास की तो खैर बात ही छोड़ दो गाइस, आई स्वेयर टू गॉड अगर आपने इस वीडियो में 15,000-20,000 लाइक करवा दिए ना, कसम से पूरी जान लगा दूंगा मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने की। यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक कर दो, एंड लेट्स आई होप 15,000-20,000 हम लाइक कर पाए इस वीडियो में। आई होप सो, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि नहीं होंगे। इसके अलावा सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं आपको A380 के, क्योंकि एयरक्राफ्ट बिल्कुल डिफरेंट है तो इसके इंस्ट्रक्शंस कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे बॉटल होल्डर भी है, काफी डिफरेंट टाइप का बॉटल होल्डर है, तो यहाँ पे चाहो तो अपनी बॉटल वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने मैगजीन वगैरह भी दी हुई है कुछ, एंड यहाँ पे वॉमिट बैग भी है, तो ये मैगजीन आई पता नहीं, तो इसको भी आराम से चाहो तो रीड कर सकते हो। अगर आपको सीट रिक्लाइन करनी है तो आपको इसको प्रेस करना है, ठीक है ना, इसको प्रेस करोगे। This is the washroom of A380. भाई साहब, मुझे लग रहा है कि कोई मैं 5-star होटल के बाथरूम में हूँ। भाई ये देखो, यहाँ पे इन्होंने बॉडी लोशन, ठीक है ना, ये क्या है, बॉडी लोशन वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने सोप, बॉडी लोशन, हैंड वॉश का दिया हुआ है। इसमें सेंसर्स लगे हैं प्लेन के अंदर, यहाँ पे टिश्यू पेपर है, यहाँ पे वुडन वर्क है। गाइज मैंने रीडिंग लैम्प चालू की हुई है, लेकिन जो पैसेंजर आइल में बैठे हैं जैसे कि मैं, मेरे तक तो पहुंच भी नहीं रही है। يجب إغلاق الحواسيب المحمولة وتخزينها بصورة صحيحة، ويجب تحويل أي هواتف محمولة أو حواسيب لوحية إلى وضع الطيران. بعد الإقلاع سيعلمك الطاقم متى يمكنك تشغيل الحواسيب. مرحبا بكم إلى أريس. مرحبا بكم إلى أريس. We are finally taxiing towards the runway, ठीक है ना। तो देखो विंडो में तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, वैसे भी विंग के ऊपर है, यहाँ कैमरा लगा है, यहीं से टेक ऑफ देखते हैं। और मेरी पानी की बॉटल ऊपर रह गई यार, ये दिक्कत है। एनीवे सम गुड टू नो स्टफ। तो आप सोच रहे हो कि भाई इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसकी टेक ऑफ स्पीड क्या होगी? तो अराउंड 275-300 किलोमीटर्स पर आवर इसकी है टेक ऑफ स्पीड। जब इतनी स्पीड में जब पहुंचेगा तब जो है ये टेक ऑफ करेगा। डिपेंड करता है कि इसका फ्यूल कितना है, अगर फ्यूल फुल है तो हाँ, तो फिर 310 तक जाएगा पूरा मैक्सिमम, एंड देन टेक ऑफ करेगा। इट्स अ ह्यूज एयरक्राफ्ट एंड वी आर टैक्सिंग टुवर्ड्स द रनवे। हेडिंग टूवर्ड 300 डिग्री। अभी देखो बाहर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, स्पीड है 456 माइल्स पर आवर, लगभग 1100-1200 किलोमीटर पर आवर। टाइम टू डेस्टिनेशन 3.5 घंटे लगेंगे। और हाँ, जब हम दुबई पहुंचेंगे तो 7 बज रहा होगा, लेकिन इंडिया में वो आई थिंक 9:30 बज रहा होगा, आई थिंक सो। फाइनली मुझे विंडो सीट मिल गई है। विंडो का साइज तो आप पूछो ही मत, अलग लेवल बड़ा है। एंड दीज आर द विंडो सीट्स। अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करोगे ना तो विंडो शीट्स ऐसी नहीं दी होती, तो उसको मतलब यहाँ बटन वगैरह पता नहीं, यहाँ प्रेस करोगे तो वो अपने आप फेड हो जाएगा। तो गाइज अभी थोड़ी देर में बस खाना पीना आएगा, तो अभी इसके पहले ना ये ट्राई करते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, तो कोई गाना प्ले करेंगे। एंड हाँ भाई, इसकी जो टच स्क्रीन क्वालिटी है टॉप नॉच है। इनकी जो क्वालिटी है बहुत ही एवरेज है, मतलब उतनी खास नहीं है, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना इनसे। फिर भी आई थिंक एयर इंडिया से तो बहुत बेटर है, बहुत मतलब जो IFS में जो ऑप्शंस है ना, वैरायटी दी हुई है भाई साहब, अनदर लेवल। मतलब 8-9 घंटे आराम से निकल जाएं आपके। तो मुझे प्यास लगी है बहुत तेज़, तो कैबिन क्रू को बुलाते हैं, देखते हैं कितनी देर में आता है कोई। तो
तो राइट नाउ वी आर इन कोंकण रीजन। तो हाँ भाई, यहाँ पे थोड़ा टर्बुलेंस वगैरह भी चल रहा है। अभी 292 किलोमीटर हमने कवर किए हैं बैंगलोर से, एंड लोकल टाइम अब इंडिया में हो रहे हैं 5:20, ठीक है, और दुबई में अभी 3:50 हो रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, एंड वी आर अबाउट टू एंटर अरेबियन सी। तो 10 मिनट हुए, कोई नहीं आया, और वो लाइट जली रही है तब से, कोई नहीं आया। गाइस कुछ तो सर्व हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, ड्रिंक्स हैं, ब्रेकफास्ट, मुझे नहीं पता, कुछ तो सर्व हो रहा है। द फूड इज़ हियर, सुबह ब्रेकफास्ट आया है। तो हाँ, अभी तक कोई ड्रिंक्स वगैरह सर्व नहीं हुई हैं, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। इसके बाद क्या क्या आएगा मुझे नहीं पता, एंड मुझे ये भी नहीं पता कि एक मील आएगी, दो मील आएगी। इट लुक्स डिलीशियस, एक एक करके देखते हैं, एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। सबसे पहले हमको मिला है जूस, पीने का बहुत मन है भाई साहब, बहुत देर से प्यास लग रही है। ये कोई दुबई का ब्रांड है जूस में, इसके साथ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, पाइप्स वगैरह दी हुई हैं, इसमें एमिरेट्स की ब्रांडिंग की हुई है। और भाई साहब, हमारा अमूल बटर कांस्टेंट है, एमिरेट्स में भी कांस्टेंट है, ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये इन्होंने क्या दिया है, किसी को बताओ तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आई थिंक ये जेली वगैरह है, आई थिंक सो, नॉट श्योर, नहीं जैम है, दिस इज़ जैम, मैंने ध्यान से देखा अभी, तो हाँ स्ट्रॉबेरी जैम है शायद। और यहाँ पे इन्होंने बन दिया हुआ है, पता नहीं, मैंने देखा है बहुत सारी फ्लाइट्स में ना बन हमेशा कॉमन रहता है, ये बन है, ये इन्होंने पानी दिया हुआ है। पानी देने का स्टाइल इनका बिल्कुल डिफरेंट है हमारे इंडियन कैरियर से, हमारे एयर इंडिया में बॉटल्स देते हैं, इसमें इस स्टाइल में दिया है, अरेबिक भाषा में लिखा है, एंड यहाँ पे एमिरेट्स की ब्रांडिंग हुई पड़ी है, ये देखो। तो हाँ, पानी देने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है एमिरेट्स में कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे इन्होंने कोई केक दिया है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। ये आई थिंक सेवियाँ हैं, ठीक है, ये भी इंडियन डिश है, दिखने में काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यमी लग रही हैं। दिस इज कटलरीज, एंड ये स्टील कटलरीज हैं, काफ़ी प्रीमियम लग रही हैं, गोल्ड में लिखा हुआ है ना एमिरेट्स। भाई साहब, जो फीलिंग आ रही है, रिप्रेजेंटेशन 10/10, इट लुक्स डिलीशियस। जो पूरी पैकिंग वैकिंग करके लाए हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और डेजर्ट तो भाई साहब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये कोई डेजर्ट है, आई थिंक योगर्ट के साथ, कोई ब्लूबेरी योगर्ट है आई थिंक, सो नॉट श्योर, बट हाँ इट लुक्स अमेजिंग। लास्ट देखते हैं ये क्या दिया। बाय द वे, एक ऑप्शन था मेरे पास ऑमलेट का, ऑमलेट और हैम था उसमें। कटलरीज मुझे बहुत बहुत मस्त लगी, पहले ट्राई करते हैं, बताना भूल गया आपको, मेरे को लगा कि वो पनीर की कुछ डिश, पनीर नहीं है, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है, क्योंकि हम बैंगलोर से आ रहे हैं, क्विजीन इन्होंने साउथ इंडियन रखी है अपार्ट फ्रॉम ऑमलेट, मैंने ये साउथ इंडियन लिया है। साथ में ये इडली है, ये सांभर है, और ये आई थिंक इसका नाम भूल गया हूँ गाइस, पर हाँ कुछ तो बोलते हैं, इसका नाम भूल गया। ये इडली है, ये सांभर है, और चटनी नहीं दिया, अगर चटनी देते तो और बढ़िया हो जाता, बट इसको कुछ तो बोलते हैं यार, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। तो टेस्ट करते हैं पहले सांभर, देखते हैं भाई सांभर कैसा है। एक नंबर सांभर है, लग रहा है MTR से है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैं एमिरेट्स में खा रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर बैंगलोर का लग रहा है सांभर, एक नंबर है। आई वुड गिव 9.5/10/10। ट्राई करते हैं ये इडली सांभर के साथ, देखते हैं कॉम्बिनेशन कैसा है। इडली काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी गर्म है, इडली काफ़ी टेस्टी लग रही है, काफ़ी बढ़िया है, हालांकि अंदर से थोड़ी सी हार्ड लगी मुझे, तो आई वुड गिव 9/10, टेस्टी बहुत ज़्यादा। ट्राई करते हैं ये, इसका एग्जैक्टली नाम बिल्कुल दिमाग से निकल गया, मैंने खाया है पहले, बहुत बार खाया है बैंगलोर में, तो ट्राई करते हैं सांभर के साथ। 10/10, इट इज़ वेरी डिलीशियस, बहुत बहुत मस्त है, और सांभर तो गाइस पूछो ही मत। ट्राई करता हूँ ये सेवियाँ जैसा लग रहा है, पता नहीं इसको एग्जैक्टली क्या बोलते, नॉट श्योर, डोंट कोट मी, आई थिंक ये स्वीट है, तो हाँ ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। जनाब खा के मज़ा आ गई इसको, बहुत अच्छा है, 10/10। काफ़ी ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, एलमंड्स हैं, किशमिश भी है, आई थिंक वॉलनट्स भी हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। ट्राई करते हैं ये, योगर्ट लग रही है मुझे, साथ में ब्लूबेरीज, बट बहुत डिलीशियस दिख रहा है गाइस। तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, ये योगर्ट है, ये ब्लूबेरी योगर्ट है बेसिकली, जिसको मिक्स करके खाना है इसके साथ, तो टेस्ट आएगा, एक नंबर लग रही है। ओवरऑल मैं बोलूँगा कि हेल्दी है, थोड़ा सा ये स्वीट है, बाकी सब तो काफ़ी हेल्दी लग रहा है मुझे। हालांकि ये बन आई थिंक वाइट ब्रेड का है। फाइनली डन विद द ब्रेकफास्ट, आई एम नॉट श्योर कि इसके बाद अभी क्या आएगा क्या नहीं, बट ब्रेकफास्ट काफ़ी बढ़िया था। अभी अब नेक्स्ट देखते हैं, एनीवे जो विंडोज़ हैं बाहर, अभी बिल्कुल अंधेरा है, अभी भी लगभग 3 घंटा बचा हुआ है हमको पहुंचने के लिए। ड्रिंक्स वगैरह अभी तक सर्व नहीं किया, आई डोंट नो करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसा भी रहेगा आई टेल यू। तो अभी नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, एंड मेरी आँखें देख ही रहे हो आप, अल्लाह जी पता नहीं, शायद 2 दिन से नहीं सोया हूँ मैं, और आप बोलोगे यार भाई हर बार ब्लॉग में तो यही कहता है तो सोया नहीं है। गाइस पता नहीं ऐसे ही होता है, ब्लॉग के पहले ना नींद पूरी नहीं होती, बस दुबई जाके फटाफट सो जाऊंगा एंड शाम को फिर व्लॉग करने निकलूंगा। तो ऐसा लग रहा है ना कि आप फ्लाइट सिम्युलेटर में हो। सॉरी
सो राइट नाउ इट्स 5:55 दुबई टाइम और अभी भी एक घंटा बचा है फ्लाइट को. हल्की हल्की सुबह हो रही है एंड सुबह होगी तो ही मैं कुछ दिखा पाऊंगा आपको. ये स्टार्स तो मैं कैप्चर करने ही भूल गया. तो जब ये लाइट्स बंद हो जाती है ना तो अंदर कैबिन में पूरे स्टार्स चमक रहे हैं. आगे से देखो पूरे ऊपर, ये पूरे पीछे तक, एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल. मैंने कॉफ़ी मंगाई, आ गई. तो पहले जब मैंने ये टेंडर बेल दबाई थी ऊपर तो भाई आधे घंटे तक कोई नहीं आया था, लेकिन अभी जब मैंने दबाई तो हाँ 5 मिनट में आ गए. ये है मिल्क क्रीमर जिसको बोल सकते हो, अमूल वाला, लेकिन ये इस पर अलग कंपनी का है. हाँ एंड साथ में मैंने शुगर फ्री बोली थी पर मैम गलती से वाइट शुगर ले आई. एनीवे आप जो है ना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो जो वाईफाई है ना फ्री नहीं है, जिसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, इसके बाद कन्फर्म करना है. तो मैंने अपना ईमेल आईडी वगैरह डाला वहाँ पे. तो यहाँ पे देखो ये आ गया, 9.9 USD का है और ये बेस्ट सेलर, स्टे कनेक्टेड अंटिल वी लैंड बेस्ट वैल्यू. $9 मतलब लगभग into 80 कर दो. कई लोग खरीदते भी होंगे बट मैं नहीं खरीदूंगा. एक और ऑप्शन है 2 USD का. तो पहले अभी हम मस्कट के ऊपर फ्लाई कर रहे थे, हमें यहाँ जाना है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं. तो मिडिल ईस्ट में तो हम आ ही चुके हैं काफ़ी देर पहले. हाँ अभी हम शायद ओमान के ऊपर हैं. दुबई है UAE, तो मस्कट. देखो गाइस मैं कह रहा था ना आपको, ये गल्फ ऑफ ओमान है. दुबई पहुँचने से पहले पता नहीं कोई डॉक्यूमेंट्री चला दी इन्होंने, तो देखते हैं भाई ये क्या है. फाइनली ओ भाई सुबह सुबह जो सीन दिखे हैं यार ऊपर से, पूरा बुर्ज खलीफा दिख गया. फाइनली रीच दुबई और अब बाहर निकल रहे हैं. एंड दिस वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जर्नी. तो मुझे कुछ भी याद नहीं, बेल्ट नंबर कौन सी है, अभी इमिग्रेशन में टाइम कितना लगेगा, मुझे कुछ नहीं पता. तो यहाँ पे ना गाइस टॉयलेट पे भी फीडबैक का ऑप्शन है, तो आप चाहो तो फीडबैक दे सकते हो. तो ऐसी लिफ्ट्स बनी है, मेरे को सुनने में आता है कि एयरपोर्ट के अंदर ट्रेन भी है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल आप जा सकते हो. लिफ्ट का साइज़ देखो, मतलब अलग लेवल लिफ्ट है. तभी हम ढूंढ रहे हैं कि इमिग्रेशन काउंटर्स किधर हैं, उसके बाद ही मिलेगा लगेज. तो हम ट्रेन से दूसरे टर्मिनल जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर ही, वहीं जहाँ पे हमारा इमिग्रेशन होगा. इमिग्रेशन के बाद शायद हमको हमारे बैग्स मिलेंगे. तो ये ट्रेन आ गई एयरपोर्ट के अंदर ही, अब हम जा रहे हैं हमारे वीज़ा के लिए, मतलब इमिग्रेशन के लिए. चीज़ याद रखना, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करो तो बोर्डिंग पास मत घुमाना. पासपोर्ट बैग कैरी कर रहा हूँ, तो सारा पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, मेरी USBs सब मैंने इस पर डाल दिए. एयरपोर्ट के अंदर ही ऐसी मेट्रो, इमिग्रेशन काउंटर्स क्लियर करते हैं, देन मिलते हैं. तो इमिग्रेशन इज़ डन, इट वॉज़ वेरी नाइस, वेरी स्मूथ. ठीक है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा. अभी मैं बस ये बेल्ट बैगेज क्लेम में पहुँच गया हूँ और उन्होंने सिम भी दे दी गाइज. इमिग्रेशन में उन्होंने सिम दे दी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें पता नहीं मैं हर किसी को देते हैं नहीं देते मुझे नहीं पता, बट मुझे तो सिम मिल गई है. और एनी वे यहाँ देखो ये प्रॉपर LCDs वगैरह लगी हुई हैं. कितने सारे इंडियन से मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ, तो पता नहीं वो सिक्योरिटी होती है एक, मतलब जैसे आप दुबई एंटर करते हो ना उसके पहले, तो हाँ एक मिल गए मुझे. तो पंजाबी, उन्होंने पंजाबी में मुझसे बात, मैंने भी बोला कितों तो हो तुम, तो कहते हैं वो संगरूर तू, मैंने बोला असी चंडीगढ़ तो. हाँ बहुत सारे इंडियन है गाइस एयरपोर्ट में भी, बहुत सारे. तो गाइस इस बार अपना लगेज आ गया प्रायोरिटी में फॉर सम रीज़न. अब मैं कह सकता हूँ कि आई एम इन दुबई. मैंने ना मेट्रो ले ली है, ठीक है ना, मैंने टैक्सी नहीं ली है. उसका रीज़न मैं आपको होटल पहुँच के बताऊँगा. बाकी मेरा जो पैसा लगा है दैट इज़ अराउंड 10 dirhams, टैक्सी में लग रहा था 125 dirham. और व्यू देखो, वो सामने देख रहे हो, मैं बताता हूँ. एयरपोर्ट से निकला, ठीक, वो 120-130 dirham मांग रहे थे, ऊबर में भी 130 dirham लग रहे थे. तो मेरे को लगा यार इतना पैसा देने का मतलब है नहीं, है ना, मतलब लगभग 3,000 rupees 32 kilometers के लिए, इट वॉज़ नॉट वर्थ. तो मैंने वॉक किया, चलता रहा,
तो भाई एकदम फुटपाथ खत्म हो गया। वो लगा अब मैं जाऊँ किधर भाई, अपने इंडिया तो है नहीं, हाथ दे के टैक्सी रोक लो, यहाँ तो गाड़ियाँ चलती हैं एकदम खतरनाक वाली, है ना, तो सब कुछ ऑर्गेनाइज है बेसिकली। आप बड़ी मुश्किल से मुझे कोई मेट्रो स्टेशन दिखा, मेट्रो पकड़ी मैंने, किसी से पूछा, उन्होंने बोला यू टेक द मेट्रो, मैंने मेट्रो ली, 10 दिरहम में आ गया मैं अल बर्शा के पास, इक्विटी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे आ गया। वहाँ से मैंने सामने देखा कोई अपना बॉम्बे का कोई रेस्टोरेंट था इंडियन, वहाँ पे सैंडविच पेला 10 दिरहम का, और फिर अब मैं जा रहा हूँ टैक्सी से अपने होटल। बाकी देख लो भाई ऐसा कुछ है दुबई तो। हाँ, 2 व्लॉग आएंगे तो अगला व्लॉग ज़रूर देखना। मैं होटल आ गया था, आते 7 घोड़े बेच के सो गया क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं था। एक बार छोटा सा आपको टूर दे देता हूँ मैं अपने रूम का। तो ये है मेरा रूम, काफ़ी बढ़िया है, सामान वामान मैंने रख दिया है, अभी नहाया भी नहीं हूँ, बस आते साथ सो गया। ये है वॉशरूम एंड द बेस्ट पार्ट, जेट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो बैंकॉक में जेट नहीं था। तो हाँ, दिस इज़ द रूम, काफ़ी बढ़िया है, और आने वाले अगले वाले व्लॉग्स में बताऊँगा इसका प्राइस। और आज मैं अभी निकल रहा हूँ, डाउन टाउन जा रहा हूँ, डाउन टाउन दुबई, तो जो दुबई मॉल है वो सब जगह जाके एक्सप्लोर करूँगा, देखता हूँ कुछ हल्का फुल्का कुछ खरीद पाया तो। एनी वे, आप लोग सबका इंतज़ार है कि भाई मैंने टिकट कितने के ली। सो दिस टिकट वॉज 25K, है ना, 25K में दुबई आना जाना हो जाए और आप फिर दुबई पहुंच जाओ, मतलब 25K में बैंगलोर दुबई, दुबई बैंगलोर और बैंगलोर दुबई वापस हो जाए, ठीक है ना। तो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ तक देखा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और इतना शेयर करो, एंड आई थिंक A380 का ये कंटेंट काफ़ी एक्सक्लूसिव है, तो प्लीज़ पब्लिक बहुत शेयर करना, नीचे कमेंट करना आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और तो हाँ मुझे जान के अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।